मेरा सोफा है और उसके साथ ना एक बड़ा सा काउच है, और ये देखो मैचिंग की टेबल भी है भाई। मैं तो कह रही हूँ ड्राइंग रूम में रखा ना तो मेहमानों पे शशका होगा, फुल धाक बैठ जाएगी भाई। है तो बहुत अच्छा। साइमा को दिखा। साइमा हाँ बहुत प्यारा है। एक मिनट, और ये वाला देखे बेडरूम सेट, इसमें कितना यूनिक काम हुआ हुआ है। अरे ये तो उससे भी प्यारा है, है? तो ऑर्डर कर लेना आप अपने कमरे के लिए बनवा ले। वैसे हिस्से के कितने पैसे मिलेंगे आपको? नहीं ये तो महंगा होगा ना बहुत ज्यादा, और हिस्से के पैसे तो जब केस खत्म होगा तभी पता चलेगा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ये क्या बात हुई? हमसे तो ये कहा गया था कि जितने हम चाहेंगे उतने ही मिलेंगे। जी जी अम्मी, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो अम्मी का जो केस है वो खत्म हो जाएगा और ईमानदारी से अगर पैसे मिलेंगे ना तब तो हमें बहुत पैसा मिलने वाला है। अब हिस्सा तुम्हारी माँ को मिले या तुम्हारे बाप को मिले, हमें तो वही मिलना चाहिए जिसका हमसे वादा किया गया था। और अब मैं ना बहुत तंग आ गई, बहुत इंतजार कर लिया है, मजीद नहीं कर सकती हूँ। लोग ताने देते हैं मुझे, जवाब दे दे के मैं तंग आ गई हूँ कि बहू जहेज में कुछ ना लेकर आई, खाली हाथ आ गई। अम्मा बता दो, हमारे यहाँ लड़कियों को भर भर के जहेज देने का रिवाज है, वो भी ट्रक। और नहीं तो क्या? आपके खानदान में सिर्फ लड़की को जहेज देने का ही रिवाज है या बहू को भी कुछ देते? क्या मतलब भाई? मतलब ये कि मुझे तो ससुराल वालों से कुछ ना मिला, ना बरी ना जेवर। हमारे खानदान वालों ने भी मुंह भर भर के बातें की कि बच्ची की किन फकीरों में शादी कर दी, दो जोड़े भी ढंग के नहीं दिए। वो तो मेरे अम्मा अब्बाए बेचारे मासूम से, उन्होंने आप लोगों की लाज रखने के लिए झूठे बहाने बना के उन सबको चुप कराया, वरना तो बस। चाय पिएगी आप लोग? बना के लाऊं? किमी क्या हुआ? देख रही कैसे जबान चला के गई है। तुम्हारी चाले काम नहीं आ रही।